Ashiq Tech Present, please like and subscribe. तो हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप से बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ। ओके, तो वीडियो एडिट करने के लिए लाइट मोशन में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, अपनी फोटो को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। तो यही प्रोसेस को फॉलो कर करके आपको अपनी फोटो को क्रॉप कर लेना है, 5 फोटो को। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फोटो क्रॉप कर लेने बाद इस प्रोजेक्ट से बैक आना है और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, तो बिटमार्क का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। और बिटमार्क डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो आप लोग देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क डाउनलोड कैसे करके लिखा होगा। ओके, उस वीडियो पर क्लिक करके उसके प्रीव्यू के बाद आप लोग चेकआउट कर लेना, उसमें बताया मैंने। तो अब यहाँ पर आपको बिटमार्क में आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर लिखा हुआ फोटो 1, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट मीडिया करना है, ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, आपने जो फोटो क्रॉप किया है पहला फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। ओके, फिर सेलेक्ट करके आगे जाना है, यहाँ पे 4 सेकंड पे आ जाना है, यहाँ पे आपको लेयर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट मीडिया करना है, इसमें फोटो एड लिखा हुआ है लेकिन आपको फोटो को यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर लेना है अपना सेकेंड फोटो को। ओके, तो मेरा जो थोड़ा सा एडिटिंग में इधर उधर हो गया तो उसको छोड़ो। आप इस प्रकार से आप जो यहाँ पे सेकंड फोटो को ऐड करते हैं ना, सेम फोटो को इधर आपको मतलब आपको जो ऐड करना है। ओके, जैसे कि आप लोग दे सकते हो इसी प्रकार से, लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से सेम फोटो को ऐड करते हैं ना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो, आपको यहाँ तक ऐड करना है 7 सेकंड तक। यहाँ पे जो 7 सेकंड में डबल इटमार आपको दिख रहा है, इसके आगे आपको अपनी फोटो को चेंज कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना 3रा फोटो को फिर ऐड करना है। अब इसी फोटो को ऐड करते हैं ना आगे डबल इट मार्क तक, जब आगे डबल इट मार्क आएगा फिर वहाँ पे फोटो को आके मतलब वहाँ पे जाके फोटो को चेंज कर देना, बाकी उससे पहले जितना भी लेयर्स है सभी लेयर्स में अपना जो 3रा फोटो है उसको ऐड करते हैं ना। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आपको जो है फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो फोटो 9 फोटो ऐड लिखा हुआ है, उसको आप उस पर ध्यान मत दो, बस आपको मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से फोटो ऐड करना। फिर यहाँ पर डबल इट मार्क आ गया है 10 सेकंड पर, इसके आगे हम फोटो को चेंज कर देंगे और अपना 4रा फोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको ऐड करना है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो इधर ऐड कर लेना, फिर यहाँ पे जो आपको डबल इट मार्क दिख रहा है उसके आगे फोटो को चेंज कर देना है। ओके ना, तो डबल इट मार्क यहाँ पे आ गया, फिलहाल मैं इन दोनों लेयर में फोटो को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है, एंड डबल इट मार्क के आगे आपको फोटो को चेंज कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से फोटो को चेंज कर देना है। ओके, एंड लास्ट फोटो हमारा यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला फोटो वो 3 ही लेयर में यूज होगा। इस प्रकार से आपकी वीडियो कंप्लीट बन जाएगी। फिर आपको ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।